पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकीन असम्बली ने पंजाब असम्बली से ऐवान वजीर आला तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरुका ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पंजाब हुकूमत और वजीर आला के खिलाफ नारे दर्ज थे। अरकीन असम्बली ने माल रोड पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए पुलिस के रोकने के बावजूद अपना एहतजाज जारी रखा। दिन को डेंगी का राज है, रात को डाकुओं का राज है और ये वजीर आला ना किसी की मानता है ना किसी की सुनता है। वन मैन शो है पंजाब में। डेंगी आइंदा जब आएगा ना, ये पहले से कई गुना ज्यादा ये बड़ा बम्पर ब्लास्ट करके आएगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की क्यादत में अरकान ने ऐवान वजीर आला के बाहर निसफ घंटे तक अलामती धरना भी दिया। इस दौरान पंजाब हुकूमत की तरफ से एहतजाज के लिए आए मेहमानों की तवाजो के लिए भेजा गया ठंडा पानी और शरबत अपोजिशन ने लेने से इनकार कर दिया। इनकी लापरवाही की वजह से आज पंजाब जैसा सूबा, लाहौर जैसा बड़ा शहर जो है वो डेंगू जैसी वबाई मर्ज जो है उसमें फंस गया है। अपोजिशन अरकान के लिए हुकूमत की तरफ से एंटी डेंगी किट्स भी भिजवाई गईं, जिन्हें अरकान ने जाली करार देते हुए लेने से इनकार कर दिया। इल्जाम तराशियों के बाद दोनों बड़ी सियासी जमातों का एक दूसरे के खिलाफ तहरीक के लिए मैदान में निकलना मुबसरीन का कहना है कि जमहूरियत और जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैमरामैन इकबाल खान के साथ जीशान बख्श, दुनिया न्यूज़, लाहौर।